का ज्ञान दे करके लोगों को मिसगाइड कर दिया, रास्ता दूसरा दे दिया। तो ये जुगुस्तम कहते हैं तुम्हारा ये कार्य प्रशंसनीय नहीं है। सब कहेंगे जी तो व्यास वेदों, व्यास ने वेदों में लिख दिया है, जबकि जो सबके आत्मा को संतोष प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण हैं, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तो उनके उपदेश से, नारसी के उपदेश से व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में भगवान की गुह लीलाओं का वर्णन किया। फिर नारायण से स्वयं कहते हैं चौथे स्कंद में, कहते यथा तरोर मूल निषेचने न कृप्यंत यद स्कंद भूजोपसाख। कितना सुंदर उदाहरण देते, कहते हैं जैसे ये वृक्ष को हरा भरा करना है तो जड़ में पानी डालो, और जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ते में, टहनियों में, फ्लावर में, फल में पानी पहुंचेगा। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति करने से संपूर्ण देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो तुरंत ही सुन करके तुरंत ही अपने जीवन में परिवर्तन ला देता है। इसको कृष्ण भावना में देता है। जब जितनी कहते यह था माम प्रपद्यन्ते, पिछले श्लोक में जितनी मात्रा में भगवान की शिक्षा के आधार पर हम लोग अपना जीवन बिताते हैं उतनी मात्रा में हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारी उन्नति उतनी मात्रा में अधिक होती है। कितना कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति थोड़े भगवद्गीता पढ़ा, कुछ दिनों में एक महीने में ही उसके जीवन में सब परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्यों वो शिक्षा को आइडेंटिटी अपना रहा है, उसके मन में शंका नहीं है, ये भ्रम नहीं है कि ओ भी हमको अगर देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अमंगल हो जाएगा, हम इनकी स्थिति नहीं करेंगे देवी का तो ये हो जाएगा, उसके मन में इस प्रकार की जरा सी भी शंका नहीं है, इतनी अटूट संभावना। और श्रद्धा ही से ही भक्ति का जन्म है, चैतन्य चेतन का वर्णन है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। कितनी हमारी श्रद्धा है भगवान की शिक्षा के आधार पर जीवन चलाने की। भगवद गीता जब हम साधु से सुनते हैं तो वो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। यदि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, देवताओं की भक्ति करेंगे, और फिर मनुष्यों की, नेताओं की भक्ति करेंगे, सबकी भक्ति प्रभावित तात्पर्य में लिखते हैं, तो हम प्रगति नहीं कर सकते। इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी अवश्य रक्षा करें, अवश्य रक्षते भगवान विश्वास पालन, ये विश्वास इतना होना चाहिए। हम उनका शरण लिए हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं, तो हमारी रक्षा निश्चित होगी। और जब भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता जिसकी रक्षा। और भगवान मारे कृष्ण राखे को, राखे कृष्ण मारे, भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसका कोई बध नहीं सकता, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विश्वास होना। जिसके हृदय में ये विश्वास होता है वो तुरंत ही भगवान का शरण लेता है। ये बहुत बड़े अनर्थ है कि भगवान हरे कृष्ण महामंगल जप करते समय भी देवी देवताओं की संतुष्टि के लिए दूसरे मंत्र का जप करना। हम लोग सोचते हैं थोड़ा हम एक दोबारा करें तो वो भी खुश हो जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे, हमारे जीवन में कोई प्रकार की पनौती नहीं आएगी। तो वास्तव में जैसे अभी कोई यहाँ का देश का प्रेसिडेंट है वो कुछ आप उसके शरण में गए, कुछ आपको आदेश देता है, साथ में सोचते हैं हम मिनिस्टर को भी खुश कर लें, प्रेसिडेंट को भी खुश कर लें। ये प्रेसिडेंट को तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये प्रेसिडेंट त्रिकालदर्शी नहीं है, ये प्रेसिडेंट परमात्मा नहीं है। अगर एक प्रेसिडेंट का पता चल जाता है मैंने इतना उपदेश देने के बाद भी ये व्यक्ति मिनिस्टर के शरण में जाता है तो प्रेसिडेंट को अच्छा तो खुश तो नहीं होगा, संतुष्ट तो नहीं होगा।
लेकिन भगवान कृष्ण सुपर सोल है, ईश्वर सर्वदा नाम हृदय स्वर्गति, सबके हृदय सबके मन एक एक वस्तु का ज्ञान रखते हैं, हमारे क्या भावना है। तो वो जब हम उनकी भगवद गीता पढ़ते हैं और ये भगवद गीता की शिक्षा हमारे लिए है, वो भगवद गीता के शब्द में उनमें कोई प्रकार का अंतर नहीं है, कोई प्रकार का अंतर नहीं। तो जब हम इसका रस पढ़ रहे हैं शिक्षा को, लेकिन इस शिक्षा के विरुद्ध चल रहे हैं, तो भगवान क्या सोचते हैं कि भगवान को ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं होगा। और समरण मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये शिक्षा भगवदगीता पढ़ रहे हैं भगवदगीता, और भगवान कह रहे हैं कि किसी देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जब मैं जो फल प्रदान करूंगा वो फल परमहंस का विनाश नहीं होगा। मैं जो शरीर प्रदान करूंगा, क्योंकि संपूर्ण देवताओं का नाश हो जाता है, तो उनके दिए हुए वरदान का क्यों नहीं नाश होगा। और कोई भी देवी देवता का भक्त नहीं चाहता है उसको जो फल मिला है उसका नाश हो, हमेशा चाहते। जैसे हिरण्यकश्यप, वो ब्रह्मा से वरदान मांग रहा था अमरता, वो नहीं चाहता था मैं मरूं, लेकिन ब्रह्मा की खुद की मृत्यु है तो उनके वरदान से कैसे कोई अमर हो सकता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति के अभाव में उसकी बुद्धि आसुरी थी, इसलिए वो इस प्रकार का, हालांकि भगवद गीता की शिक्षा है कि जीवात्मा की तो मृत्यु है नहीं, ये शरीर की ही मृत्यु है। तो कहने का अर्थ है, जब हम भगवद गीता जब पढ़ते हैं तो उसकी शिक्षा को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। भगवान साक्षात कहते हैं कि कामई तय तय हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। व्यक्ति के ज्ञान को उनकी कामनाओं ने हर लिया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां तक लिखते हैं, हित ज्ञाना नष्ट बुद्ध है, हित ज्ञाना का अर्थ है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नहीं तो क्यों जाएंगे। जैसे शास्त्र में उदाहरण दिया गया है, कोई बच्चा है उसकी बहुत ही उसके माता पिता उपस्थित है, और माता पिता को छोड़ करके एक राक्षसी की सेवा में लगा है, अपने माता पिता को छोड़ करके एक उदाहरण दिया गया है शास्त्र में श्लोक के द्वारा, माता पिता की सेवा को छोड़ करके उनकी गोद को छोड़ करके और राक्षसी की गोद में बैठा, तो राक्षसी तो उसका खून ही चूसेगी। तो ऐसे ही जो भगवान स्वयं जिस जीव को शरण देने के लिए तैयार हैं, उनका हम शरण छोड़ करके हम देवी देवताओं की शरण लेते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता कोई। हालांकि जो हम जो सुख के लिए शरण लेते हैं तो नास्तिकों को वो प्रकार का सुख मिलता है, भौतिक सुख। जैसे इस संसार में जितने भी लोग हैं, यहां तक लोग स्लॉटर हाउस चलाते हैं तो भी बहुत उनको भौतिक सुख लेते हैं, स्लॉटर हाउस चलाने वाले भी भौतिक सुख लेते हैं। ऐसा नहीं जो देवी देवताओं की शरण लेगा उसको ही भौतिक सुख मिलेगी। इस संसार में हर जीव को भौतिक शरीर मिली है और भौतिक शरीर से हम भौतिक सुख लेते हैं, और ये सुख कभी ये भौतिक सुख थोड़ा कभी सुख देता है तो 99% दुख देता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान जन है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो केवल भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, क्योंकि कृष्ण देवी देवताओं के सबके पूजनीय हैं और सभी ब्रह्मा विष्णु महादेव शिव सभी लोग कृष्ण
के आदेश का पालन करते हैं। हमारे महान आचार्य भक्तिनोद ठाकुर अपने अपने भजन में लिखते हैं, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, हे ब्रजेंद्र, ब्रज के राजा के कुमार बच्चे, आप ही संपूर्ण ईश्वर को ईश्वर है। तुम्हारी इच्छाएं विश्व सृजन संभाल, कहते आपकी इच्छा केवल पूरा करने के लिए ये पूरे सृष्टि, ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और उसका पालन होता है और उसका नाश होता है। आपकी केवल इच्छा, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भगवान इच्छा करते हैं इस ऑटोमेटिक उनकी परास शक्ति भी विधाय संपूर्ण उनकी शक्तियां उनकी इच्छा पूरा करने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। तो कहते तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, केवल ब्रह्मा जी आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस सृष्टि का सृजन करते हैं। तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन, केवल आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तव इच्छा मते शिव करे संघ, ये पूरे सृष्टि का विनाश महादेव शिव, केवल आपकी इच्छा ना हो तो महादेव शिव विनाश नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तब इच्छा मते माया सृजे कारण, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए ही ये माया देवी ये कारागार दुखालय मासासोटा के कारागार की रचना किया। आपकी इच्छा से ही जीव का जन्म होता है, मरण होता है, पालन पोषण सब कुछ आपकी केवल इच्छा ही कार्य कर रही है। तो मैं कल भी ऐसे चर्चा कर रहा था कि देवी देवताओं को पूर्ण ज्ञान है, कृष्ण परम भगवान है, ब्रह्मा जी ईश्वर है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि आदि गोविंद सब कारण का। ब्रह्मा जी कहते हैं कि परम भगवान कृष्ण है, वो कृष्ण कैसे हैं, सच्चिदानंद विग्रह है, उनका विग्रह उनकी बपू सचित आनंद है, देवताओं के जैसे नहीं है, देवताओं के शरीर सचित आनंद नहीं है, उनकी शरीर भौतिक है, भगवान की शरीर अलौकिक है। तो सभी देवी देवता लोग आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, संपूर्ण देवी देवताओं की प्रार्थना है, सब प्रार्थना करते हैं भगवान से उनकी कृपा के लिए। और इस मानव समाज में ही सबसे अधिक अज्ञान है कि भगवान है। हालांकि मानव समाज ऐसे ही मानव जीवन ही है जहां से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। ये शरीर उनके लिए ही मिली है कि ये शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए मिली है, भौतिक क्योंकि ये शरीर में वास्तव में हम किसी देवता से यदि कोई कृपा प्राप्त कर लें तो भी इस कितना आनंद इस शरीर से लें, यह शरीर क्षण भंगुर है, यानी किसी भी समय समाप्त हो जाए। यह शरीर किसी भी समय समाप्त हो जाएगी, इस शरीर से हम आनंद किसी के पास लेना है कितना ले सकता है, कितना खा सकता है, कितना आनंद उठा सकता है, यह शरीर केवल भगवान की भक्ति के लिए बनी है। नायम देह देह भाजम निलोक कामान कष्टान अरहते विद भुजाने तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्यम ब्रह्म सौख्यम तदंतरम। कहते नायम देह देह भाजम निलोक, यह शरीर कुत्ते बिल्ली जैसे आनंद के लिए नहीं बनी है, ये
हृदयम ये मनुष्य शरीर ये तपो दिव्यम दिव्य तपस्या, दिव्य तपस्या उसको कहते भगवान की भक्ति को। इसलिए भागवत में दूसरी जगह वर्णन किया गया ये शरीर ये नौका के समान है। निर्दयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लव सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कहते ये मनुष्य शरीर है ये साधारण शरीर नहीं है, ये बहुत ही समय के बाद प्राप्त हुई है और प्रकृति के प्रबंध के द्वारा। ये सुलभम बहुत दुर्लभ है लेकिन हमको हम लोग को मिल गई। और यह शरीर क्या है प्लवम सुकल्पम, एक बोट के समान नौका। नौका किसके लिए हम लोग यूज कर प्रयोग करते हैं, नदी को क्रॉस करने के लिए, पार करने। अगर नौका पर नाविक नहीं है तो नौका उसी सब नदी में डूब जाएगी। कहते गुरु कर्णधार, इस नौका के कैप्टन हैं सदगुरु। अब भगवान इतने कृपालु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, स्वयं गुरु गोविंद के रूप में ये भगवत गीता का प्रवचन करते हैं, स्वयं ही ज्ञान दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति भक्तों की शिक्षा के आधार, भगवान के भक्ति शिक्षा के आधार पर अपना जीवन बिता नहीं रहा है तो उसका उसका शरीर जैसे सिप विदाउट कैप्टन, तो कहीं उसी नदी में उचार कर घूमते हुए समुद्र में डूब जाएगा, यही हम लोग जानते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। वही भगवान है, वही सबके रक्षक हैं, वही सबके पालक हैं, सब कुछ उनकी इच्छा से इस सृष्टि में चल रहा है। जब हम इस श्रद्धा के अनुसार उनकी शरण लेते हैं तभी हमारी एक चित्त एकांत की मति होती है जो भगवान चाहते हैं। भगवान कारण बता रहे हैं कि देवी देवताओं की भक्ति केवल अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने को करती है और भौतिक इच्छाएं से उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। हालांकि जो भी उनकी भौतिक सुख सुविधा मिली है वो क्षणिक है। तो पूर्ण रूपेण विस्तार पूर्वक इस भगवतम वर्णन है, लेकिन जब तक हम ये शिक्षा यही भगवान की शिक्षा भक्तों के मुंह से नहीं सुनेंगे, भक्तों के मार्गदर्शन भक्तों से समझेंगे नहीं तो हम लोग की दृढ़मति नहीं होगी, दृढ़मति नहीं होगी। दृढ़मति इसलिए हम भक्ति में प्रगत नहीं कर सकते, लेकिन प्रगत वही करता है जो तुरंत ही इस शिक्षा को आत्मसात करता है, इस शिक्षा के आधार पर अपना जीवन चलाता है। बहुत ही मुश्किल। तो कांचन कर्णाम सिद्धिम यजंती ही देवता क्षिप्रम ही मानुष, ये बात सत्य है। कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मकांड करता है उसको भौतिक फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन वो भौतिक फल कैसे है, क्षणिक है, नित्य तो है नहीं। इसलिए बुद्धिमान जन है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कोई भी क्षणिक सुख के लिए प्रयत्न नहीं, क्योंकि क्षणिक सुख है वो केवल हमको दुखी देते, सुख प्रदान नहीं करते। तो परोक्ष रूप से भगवान के कहने का यह अर्थ है किसी को भी देवी देवताओं की भक्ति नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को मेरी भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण।